क्या आपको पता है कि 1G, 2G, 3G, 4G, LTE क्या है मोबाइल नेटवर्क्स में, और जो G का इस्तेमाल होता है, G क्या है, G किसको रिप्रेजेंट करता है, G का मीनिंग क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिए, नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जी जो है जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। जो कुछ भी एक नेटवर्क में बड़ा परिवर्तन आता है, जैसे स्पीड में, क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, मान लीजिए बढ़ गया तो इम्प्रूवमेंट आता है बहुत बड़ा, तो उसका जनरेशन चेंज कर दिया जाता है, 1G से 2G कर दिया जाता है। 2G से इम्प्रूवमेंट फिर हुआ स्पीड में, क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, और 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, और नेक्स्ट आने वाला है 4G से 5G। ऐसे होता है जेनरेशन। ओके, पहले बात करते हैं 1G। 1G मतलब एनालॉग सिग्नल यहाँ पर यूज़ होता था। ओके, 1G जो पहले नेटवर्क था उसमें आपको एनालॉग सिग्नल का यूज़ होता था। ओके, ओनली फॉर कॉलिंग के लिए यूज़ होता था। आज इसमें आप SMS का फैसिलिटीज नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और सिर्फ यहाँ पर आपको कॉलिंग का फैसिलिटीज़ दिया गया था। ओके, फिर आया 2G मतलब डिजिटल सिग्नल। ओके, 2G में डिजिटल सिग्नल इसमें यूज़ होता था, 2G के नेटवर्क में, जिसमें आपको SMS का फैसिलिटीज़ मिलता था और इंटरनेट मिलता था, लेकिन लो स्पीड का मिलता था। ओके, फिर आया 2.5G, वीडियो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिलता था आपको। इसमें आया YouTube। ओके, 2.5G में YouTube आया और इसमें आप वीडियो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिल जाता था। फिर आया 2.75G मतलब 2.75G, इसमें आपको EDGE इसको बोलते हैं। कुछ कुछ मोबाइल फ़ोन में ऊपर की ओर नेटवर्क जहाँ पर होता है वहाँ पर साइट में ई लिखा होता है। बहुत लोग मानते हैं कि ई जो है इंटरनेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ई जो है EDGE को रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेट होता तो आई होता। ओके, ई नहीं होता। इसमें आपको स्पीड मिलता था 128 kbps का स्पीड मिलता है। ओके, 128 kbps का स्पीड मिलता था। फिर आया 3G मतलब वीडियो कॉलिंग, इसमें आपको ऑप्शन मिलता था, स्पीड था इसका 2 Mbps। ओके, इसमें आप वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, लेकिन नॉर्मल वीडियो कॉलिंग, HD क्वालिटी का नहीं हो पाता था, नॉर्मल वीडियो कॉलिंग आप कर सकते थे। फिर आया 4G LTE मतलब 4G फिर आया और उसके बाद LTE थोड़ी देर के बाद आया। ओके, अभी जो है 4G LTE चल रहा है। LTE मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ओके, 4G में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता था, HD वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिलता था। वीडियो कॉलिंग 3G में था, लेकिन 4G में HD हुआ मतलब हाई डेफिनेशन वीडियो कॉलिंग आप कर सकते थे, HD लाइव TV आप देख पाते थे। ओके, बेस्ट क्वालिटी वीडियो यहाँ पर आपको मिलता था, और HD वॉइस कॉलिंग का ऑप्शन भी आपको मिलता था, मतलब जो क्रिस्टल क्लियर जो वॉइस है वो आपको यहाँ पर मिलता था। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।